बीजेपी विधायक राम कदम ने याकूब मेमन की कब्र की तस्वीरें साझा करते हुए कुछ सवाल उठाए। पूछा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस काल में मुंबई में पाकिस्तान के इशारे पर 1993 में बम कांड करने वाले खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई है। यही है इनका मुंबई से प्यार, यही इनकी देशभक्ति है। उद्धव ठाकरे समेत शरद पवार तथा राहुल गांधी मुंबई की जनता से माफी मांगे। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, वो मुंबई में बमकांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है, उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी। बीजेपी नेता राम कदम जिस याकूब मेमन की कब्र की बात कर रहे हैं, उसी कब्र के पास राजेश कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, ये आरोप तो हैं, लेकिन क्या इस मामले में अभी तक उद्धव ठाकरे की ओर से या शिवसेना पार्टी की ओर से, शरद पवार की ओर से कोई जवाब आया है? देखिए, फिलहाल पुरानी सरकार जो महाराष्ट्र में पहले थी, महाविकास आघाड़ी की, उसका इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी हमलावर मुद्रा में है और लगातार हमले कर रही है कि पिछली सरकार के दौरान ये इस तरीके से कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी। मुंबई का गुनाहगार है, मुंबई का दोषी है, सैकड़ों लोगों को इसने जाने लिए और उसके कब्र को इस तरीके से अगर उसको सजाया जाता है तो क्या इसकी भनक तब के सरकार को नहीं लगी थी? क्या तब के सरकार की सहमति से ये सब कुछ हो रहा था? ये इस वक्त बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उद्धव गुट और साथ ही अगर एनसीपी हो, उनकी तरफ से अभी इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। मीनाक्षी, मुंबई पुलिस ने जांच जरूर शुरू की है और इस जांच में अब तक ये पता चला है कि ये लाइट्स जो है वो 6 महीने पहले लगाई गई थी, शबे बारात के वक्त लगाई गई थी, उस वक्त ही इस लाइट्स को जलाया जाता है, आम दिनों में लाइट्स नहीं जलाया जाता, लेकिन पट्टी अभी भी लगी हुई है वहां पे, जो एलईडी लाइट्स की जो हेलोजन लाइट्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। ये हमने तस्वीरों में दर्शकों को दिखाया भी और हम खुद जब वहां गए थे तो ये पाया हमने कि वहां लगी है, और जब खबर चली है मीडिया में, जब खबर आई तो मुंबई पुलिस की टीम भी यहां पे पहुंची और फिलहाल जो पट्टी वाली लाइट थी, एलईडी लाइट्स, उसे हटाया गया है और कब्रिस्तान के रखरखाव करने वालों से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। मीनाक्षी जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।